नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलिटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 18 टेस्ट दिया गया है। ठीक है, इलिटेरिया करंट अफेयर्स में तो हम लोग आज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सवाल है और टोटल हम लोग 50 सवाल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है आज का कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आपको पता होगा कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को, यानी दोनों को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है रूस ने किया है। ठीक है, रूस ने पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो रूस ने किया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और पेरिस जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला फोर नंबर सवाल है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है लखनऊ में। याद रखिएगा कि न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए, एक आप कमेंट में बताना ही है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फाइव नंबर सवाल है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे। तो ये रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। कौन रहे दोस्तों, यानी कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, डेनियल मेदवेदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सिक्स नंबर सवाल। ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ ये टोटल 2021 के हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो ये किसने किया है, तो ये राजस्थान ने किया है। ठीक है, यानी कि भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है किसने, तो ये राजस्थान किया है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेवन नंबर सवाल है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये किया है सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो एमके स्टालिन। ठीक है, याद रखिएगा कि एमके स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एट नंबर सवाल कि सर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। याद रखिएगा कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो चंडीगढ़ पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए नाइन नंबर सवाल है कि यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। तो आपको पता होगा कि यूएसए, जापान और भारत के साथ ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया गया है, तो 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। ठीक है, एक क्वाड संगठन बना है QUAD, इसमें चार देश शामिल है, कौन कौन सा है, तो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल। तो देखिए
10 नंबर सवाल आपके सामने है। 10 नंबर सवाल है कि यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है। तो यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रही है एमा राधुकानु। कौन है? एमा राधुकानु जो है ये यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का जो निर्माण है यह किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है दोस्तों? उत्तराखंड में ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि छात्रों की भाषा संबंधी भाषा को बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक है, यानी कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। कौन सा उड़ान? प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किसने किया है? तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल आपके सामने कि अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। तो ये की जाएगी किसके द्वारा? तो देखिए सवाल है कि ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी, तो ये गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुजरात के द्वारा। ठीक है, यानी कि अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में, तो भारत के गुजरात के राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? तो गुजरात के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। तो देखिए गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड के राज्यपाल है, ये सही है। आरएन रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल है, ये भी सही है। ठीक है, भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो है पुष्कर सिंह धामी। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एमके स्टालिन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसे के लेखक हैं। तो कौन है? यह है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जो हैं ये पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसे के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। तो यह है वायु प्रदूषण के नियमन से, किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण के नियमन से संबंधित है प्राण पोर्टल। ठीक है, क्या संबंधित है? प्राण पोर्टल किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैनेज कीजिए। 17 नंबर सवाल है कि किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल। तो देखिए 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये बना है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जो है क्या किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये बना है इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये किया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, यानी भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये किया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो ये है चीन। ठीक है, चीन ने पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो ये है चाइना। ठीक है, चाइना ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंडर्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये किसने किया है? तो ये भारतीय सेना ने किया है। यानी कि हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय द्वारा, यानी किस मंत्रालय या संस्थान ने
तो भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंडर्स प्रोजेक्ट को शुरुआत की। किसने शुरुआत किया है? तो भारतीय सेना। अच्छा, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। अच्छा, CRPF का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1939 में हो गया था। कब हुआ था? 1939 को, याद रखिएगा CRPF। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। तो देखिए 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर क्या मनाया गया है? तो समर्पण दिवस मनाया गया है। किसके पुण्यतिथि पर? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समर्पण पर क्या मनाया गया है? समर्पण दिवस मनाया गया है, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 23 नंबर सवाल है कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो लुधियाना में। ठीक है, यानी कि भारत के किस शहर में? तो भारत के लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। अगर आपसे शहर पूछेगा तो ये लुधियाना होगा, अगर आपसे राज्य पूछेगा तो ये पंजाब होगा, क्योंकि लुधियाना कहाँ पड़ता है? तो लुधियाना पंजाब में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल है कि वेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, यानी कि वेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह में। ठीक है, याद रखिए कि भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगला है 26 नंबर सवाल है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ। क्या स्थान? 40वां स्थान, यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल को। याद रखिएगा कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल को प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल कि फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, माँ से मांडू, माँ से मध्य प्रदेश। ठीक है, माँ से मिजोरम भी होता है, बट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है SN सुब्रमण्यम को। किसे नियुक्त किया गया है? SN सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा वो दोस्तों? केरल राज्य में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये आपको ध्यान रखना है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु 4था वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि फ्रांस द्वारा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल है कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है,
किस देश में की गई है? तो ये इंडोनेशिया में की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज, जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, ये किस देश में की गई है? तो ये इंडोनेशिया में किया गया है। अच्छा, इंडोनेशिया राजधानी क्या है? जकार्ता। और जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है। और आसियान में टोटल कितने देश आते हैं? तो 10 देश आते हैं। ठीक है, कितने देश आते हैं? 10 दिन। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो यह किया गया है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, यानी कि समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो चेन्नई बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि किस फॉर्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये नाइटहुड से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। किसे? नाइटहुड के सम्मानित किसे किया गया है? लुइस हैमिल्टन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? लाइफ लाइन एक्सप्रेस, यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो यह है एयर इंडिया, याद रखिएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने, तो एयर इंडिया एयरलाइन कंपनी ने, ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है, एयर इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई ने, यानी कर्नाटक की सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जाँच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी लिंक पर। ठीक है, केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है बताइए? तो 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा। कितनी है? 1465 किलोमीटर। यह दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो 2023 तक, याद रखिएगा कि किस वर्ष तक, यानी 2023 तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 41 नंबर सवाल है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? ये किया गया है गुलमर्ग में। ठीक है, यानी कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गुलमर्ग में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका, यानी किन दो देशों के बीच है? तो भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास, यानी कि 16वां संस्करण आयोजित हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। चलिए नेक्स्ट है अगला 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल है कि चैलेंज वन उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है ट्यूनिशिया का। ठीक है, यानी कि चैलेंज वन उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है? तो यह है ट्यूनिशिया का, जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो ये है ट्यूनीशिया, ठीक है। अच्छा, तंजानी राजधानी क्या है? तो तंजानी की राजधानी है डो डो मा। याद रखना है कि तंजानी राजधानी क्या है, डो डो मा जो है ये तंजानिया की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर सवाल कि BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार शामिल नहीं है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। और म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपी ताओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला है 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, तो ये बना है चंडीगढ़, ठीक है। यानी कि क्या सवाल बोल रहा है कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है शिक्षा के क्षेत्र से। याद रखिएगा कि E9 पहल जो है ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से, यानी यूनेस्को द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू की गई है, यूनेस्को। अच्छा, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, तो चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। देखिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू के। अच्छा, कैग के कौन है, कैग का अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये किस अध्यक्ष कौन है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो कैग का जो उल्लेख है ये 148 में किया गया है। किस अनुच्छेद में, 148 में, अनुच्छेद नंबर 148। नेक्स्ट है 49 नंबर सवाल कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया, तो ये इंडोनेशिया का, ठीक है। यानी कि इंडोनेशिया का मतलब इंडोनेशिया के साथ युद्धाभ्यास हो रहा था, तो उसी के दौरान पनडुब्बी KR नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया राजधानी क्या है, जकार्ता। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में, याद रखना है। और सबसे ज़्यादा यहूदी जो है ये इजराइल में पाया जाता है, जिसकी राजधानी है जेरूसलम, ठीक है। और श्रीलंका राजधानी क्या है, तो आपको पता ही होगा, श्री जयवर्धने पूरे कोटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। सवाल है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है, तो ये नामित किया है तिबलिसी, ठीक है। तिबलिसी यानी कि जॉर्जिया राजधानी है तिबलिसी। तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है, तो तिबलिसी को, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज सेट वन कंप्लीट कर चुका है। टोटल सेट इसमें 18 है, हम लोग टोटल 18 सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेट वन कंप्लीट हो गया, 50 सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।